दिए गए फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप लोग इस तरह के बड़े से बड़े फिगर में आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस फिगर को हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह का 3 और पार्ट होगा, ये होगा, ये होगा और ये वाला ट्रायंगल होगा। तो हम लोग एक जो है सो ये फिगर जो है पार्ट इसको निकालते हैं, ठीक है। अब ये फिगर हमारे सामने रहा तो इसमें हम लोग ट्रायंगल काउंट करते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। ये 3 छोटे छोटे ट्रायंगल्स हो गए। उसके बाद देखिए ये 4, 5, ठीक है, और ये बड़ा वाला 6, 6 ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें 6 है तो इस वाले में भी 6 होगा और इस वाले बड़े ट्रायंगल में के अंदर भी कुल मिला के 6 होगा और इस तरफ भी 6 होगा, यानी टोटल 6, 6, 6, 6, यानी 24, 6 + 6 + 6 + 6 = 24, अभी 24 हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस बड़ा फिगर को देखिए, फिर से हम लोग एक साथ इस पूरे बड़े वाले फिगर को देखते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं, ये हो गया 1 ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद ये हुआ 2, उसके बाद ये हुआ 3, 3 ट्रायंगल्स हो गए इस वर्टेक्स से, इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग अगर काउंट करें तो फिर यहाँ से भी 3 होगा, पहले 3 थे, 3 और इस तरफ से भी देखिए 3 ट्रायंगल्स होंगे, 2 हुआ और ये 3, तो टोटल 6 हो गए अभी। और इस पॉइंट से अब हम लोग काउंट करते हैं तो ये हुआ 1, 2 और यहाँ 3, ठीक है। तो 9 ट्रायंगल्स हो गए हैं कुल अभी तक। और अब इस पॉइंट से हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ से भी 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1, 2 और ये 3, यानी टोटल 3, 3, 3, 3, 3 + 3 + 3 + 3, यानी 12, और अब कोई भी ट्रायंगल इसमें नहीं बन रहा है। तो टोटल हो गए 12 और 24, 36, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 36 हो गए। अब हम लोग जो है इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करेंगे। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं धीरे धीरे और बहुत ही खोल खोल के समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को फेस कीजिएगा तो आप लोग बहुत ही जल्दी आसानी के साथ इस ट्रिक का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। उस समय आपको किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो आप टाइम लगाइएगा, ठीक है। तो समझाते वक्त में टाइम थोड़ा लगता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और ऑल नोटिफिकेशंस इनेबल कर दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स इसके अंदर गिनेंगे। तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स गिन लेते हैं, पहले छोटे छोटे स्क्वायर्स गिन लेते हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल छोटे वाले 12 स्क्वायर्स हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब छोटे छोटे 4 स्क्वायर्स मिलके ये एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, है ना। अब इस तरह का कितना स्क्वायर है ये गिनिए, ये 1 हो गया, अब ये हो गया 2,
ठीक है, थोड़ा मोड़ा लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, ये हो गया 3, ठीक है, अब यहाँ से ये 4, और ये वाला हम काउंट कर चुके हैं, अब ये बच रहा है 5, तो चार छोटे छोटे स्क्वायर्स मिलके टोटल 5 बड़े स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो पहले था 12 और 5 और एक और स्क्वायर बन रहा है, ये सबसे बड़ा वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए, 18। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा।